Just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up. Cause enough is enough, I'll take a faithful. Hey guys, what's up, hope you all are doing well. Welcome back ho gaya ji to another vlog. तो यार आज का व्लॉग इस तरह है, मैं जा रहा हूँ अपनी ट्यूबवेल वाली साइड और ट्यूबवेल वाला व्लॉग थोड़ा सा मैंने ऐड किए थे क्लिप वगैरह माई वेली जल व्लॉग में, वो आई बटन लिंक आ रहा होगा, चेक कर लीजिएगा। तो अभी आज दोबारा मौसम वगैरह बहुत अच्छा था, मैंने कहा चलते हैं यार व्लॉग वगैरह शूट करते हैं। हवा चल रही है, ठंडी ठंडी बादल है और बारिश का मौसम बने हुए और हर तरह सब्ज़ ही सब्ज़ है। दिस इज़ कॉल्ड नेचुरल ब्यूटी, गाँव की ब्यूटी। वही देखा आपने, लापरवाही का नतीजा करने वाला था। और अभी चलते हैं आगे। तो यार ये ट्यूबवेल वाली साइड पहुंच गए हैं, तो ये लेफ्ट साइड पे जो आपको पौधे वगैरह नज़र आ रहे हैं, सारे पौधे वगैरह कह रहा हूँ, फिर खेत और पौधे मिक्स लग गए हैं काफ़ी सारे। ये तायाबू की जगह है, कज़न वगैरह ने सारे यू नो प्लांटिंग में रखी हुई है। ये वाला खेत इधर गंदम वगैरह लगी हुई है और दूसरा ये कमरा सा बना हुआ है जहाँ मतलब काम वगैरह करके रेस्ट वगैरह कर सकते हैं आप। और बाकी ये लगे हुए हैं पौधे और ईच एंड एवरीथिंग। और सामने जो छोटा सा घर सा नज़र आ रहा है आपको, वहाँ मोटर वगैरह के स्विच वगैरह लगे हैं और बाकी खेती बाड़ी के सामान पड़ा है। और अभी आपको स्टेप बाय स्टेप अपने खेत का विजिट कराएंगे। और बाकी पानी का आज का सिस्टम है ना, तो वो इसी इन्हीं खेतों में लगा हुआ है और बाकी दूसरे खेत हैं वो थोड़े दूर हैं, तो उधर वाटर सिस्टम नहीं है, तो वो बारिश के सारे भी चल रहे हैं। और ये देखें गन्ना वगैरह काफ़ी अच्छी लगी हुई है, पानी वगैरह दरअसल सही लगता रहा। दूसरी साइड जहाँ सब्जी वगैरह और फलों वगैरह के पौधे वगैरह लगे हैं, ये पास ही है साइड, तो उधर चलते हैं और उधर आपको पौधे वगैरह सारे दिखाते हैं। और अगर बिजली हुई तो मोटर ऑन करके आपको वाटर सिस्टम सारा दिखाएंगे, पानी कैसे चलता है और क्या निज़ाम है सारा। काफ़ी दूर से पैदल हूँ, सांस सारा फूल गया। फलों के पौधे लगे हैं, ये लहसुन लगे आई थिंक, और उस साइड वो गोभी, और पता नहीं मैं इशारा सही कर रहा हूँ कैमरे में समझ नहीं आ रही, गोभी धनिया और ये खाद वगैरह पड़ी है कोई देसी खाद जो जानवरों के गोबर से बनती है। और ये नीचे आई थिंक गंदम और वो जौ और सरसों वगैरह लगी है नीचे सारी, और वो जो पौधे हैं वो माल्टे के लगे हुए हैं पौधे। सर ये जिस जानवर के साथ होते हैं आप उनको अपनी ज़बान में क्या कहते हो? हम तो ने अपनी पंजाबी में से बोलते हैं। तो ये लहसुन की फसल लगी हुई है, ये तजर्बाती तौर पे कम ही लगाई है फसल, क्योंकि वो रात को आते हैं और सारी फसल का सत्यानाश कर जाते हैं, तबाह कर जाते हैं सारी फसल। इधर भी सारी सब्जी वगैरह लगाई थी तो वो भी उन्होंने ख़राब कर दी है, उस वजह से थोड़ी ये सब्जी वगैरह कम लगाई है। ये नॉर्मल घर के यूज़ के लिए इतनी लगी हुई है सब्ज़ी, और बाकी सारी जगह पे गंदम वगैरह और फल वगैरह लगाए हैं। हाँ जी, हमारा ट्यूबवेल काफ़ी पुराना है, ये अंदर मोटर लगी है, पानी भी नज़र आ रहा होगा आपको। और ये इधर उल्का पौधा लगा हुआ है, इधर ये साल में फल भी काफ़ी लगे हुए हैं, ये कुएं के अंदर लगा हुआ है पौधा, आपको दिखाते हैं, ये चेक करें कुएं के अंदर ये दीवारों में से निकला हुआ है पौधा। और ये सारा देखें सारे अंजीर का फल लगा हुआ है इधर काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये बाहर जो पौधे लगे हैं अंजीर के उनमें से इतना फल नहीं है, लेकिन जो इस पौधे में जितना फल है ना, अल्लाह की कुदरत चेक करें आप। और ये रहा हमारे ट्यूबवेल का छोटा सा सेटअप, और ये है इधर पानी वगैरह सारा स्टोर होता है, पाइप वगैरह लगा हुआ है, मोटर्स वगैरह,
और ये ट्यूबवेल में दो मोटर लगी हैं, एक कज़न लोगों ने लगाई है जिसका पानी उन ऊपर वाले खेतों में जाता है, और ये वाली जो राइट साइड वाली मोटर है ये हमारी है, और ये इन सारे खेतों में पानी जाता है इस मोटर का। और ये जी चाचू शायद जानवरों के लिए चारा वगैरह काट रहे हैं, जो कि वीडियो के एंड में हम आपको दिखाएंगे। साइड को खेत वगैरह नजर आ रहे हैं ना, तो इसमें लगी हुई थी गंदम जौ और सरसों का जानवर वगैरह की लगाई थी, तो वो उसकी सारी कटाई होगी है, तो ये मतलब दोबारा उगाएगी जानवरों के चारे के लिए। और अभी आगे उस साइड पे लगी है गंदम, तो वो काश्त के लिए रखी है, वो नहीं काटी अभी, तो वो एंड तक जब बड़ी होगी तो खुश वगैरह होगी, जब टाइम आएगा फसल का तो तब काटी जाएगी। बाकी यार ये पौधों वगैरह का सारा इंट्रोडक्शन करा दिया आपको, और ये लगी हुई आई थिंक सरसों या जमे इस तरह कोई लगे हुआ पौधा, तो ये लगी हुई है गंदम लगी है, जो पीले पीले फूल नजर आ रहे हैं सरसों के फूल हैं। तो अभी दो बार निकले, ये गर्मी वगैरह काफ़ी हो रही है, और ये वाला सेटअप दिखा दिया, और ये जो ऊपर वाली जगह है ना, तो इधर ऊपर चढ़ते हैं अभी साइड से, तो ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर भी हमारी ज़मीन है, सूरज फुल तपता हुआ, और अभी चलते हैं ऊपर वाली साइड और उधर मैं आपको सारा सीन वगैरह दिखाता हूँ, तो लेट्स गो चलते हैं। तो यार रास्ता तो बंद है, कांटे वगैरह पड़े हैं इधर, लेकिन कोई नहीं, वीडियो के लिए रिस्क लेते हैं और चलते हैं। पहुंचते जाओ ना, कुत्तों की भरमार हो जाती है। ये एक और कुत्ता आ गया, वाटरिंग सिस्टम में आपको बता रहा हूँ, उसका ये सीन है, वो ट्यूबवेल है, ठीक है, ये ट्यूबवेल से पानी आता है सारा इधर से अंडरग्राउंड, सारे पाइप हैं, और ये इधर से तकरीबन मेन होल निकले हुए हैं, 5-6 मेन होल निकले हैं, ये दोनों तरफ इनके ढक्कन लगे हुए, इस तरफ वाला ढक्कन खोलते थे, इन सारे खेतों को पानी लगता है, और उस तरफ वाला ढक्कन खोलते हैं तो उस उन वाले खेतों से पानी लगता है, और ये सारा यही सिस्टम है, और उस साइड वाली जो ज़मीन है उनका भी मैंने सारा सीन आपको दिखाया है। व्यू तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, लेकिन वीडियो में मैं जितना दिखा सकता था आपको दिखाया है व्यू, और थोड़ी बहुत आपको जो इन्फॉर्मेशन दे सकता है इन्फॉर्मेशन भी दी है, तो इंशाल्लाह जल्दी ड्रोन लेंगे और ढूंढ छाट कर दो, तो अपना मजा आपको पूरे एरिए का इधर सारे खेतों वगैरह का मैं गाँव वगैरह का व्यू दिखाता, तो चलिए अभी चलते हैं आगे और देखते हैं क्या है कुछ और आपको दिखाने वाला। ये रहा जी हमारे ट्यूबवेल का शॉर्ट सा टूर,
ये कौओं का शोर भी सुन रहे होंगे, एक तो कैमरा खोलते जाओ उन्हें याद आ जाता है जी भाई साहब हम भी हैं, हमें व्लॉग मिलाओ। अभी चलते हैं जी, ट्यूबवेल के साथ ही घर है, उधर माल मवेशी वगैरह रखे हैं और बतखें और मुर्गियाँ और काफ़ी मतलब और भी जानवर हैं, तो उधर भी चलते हैं और उनसे भी मिलवाते हैं आपको। Several days later. वीडियो बनाने जैसे ही मैं पहुंचा, सबसे पहले यही काम किया कि हमने जानवरों को चारा डाला, क्योंकि सारे जानवर भूखे थे और उनके खाने का टाइम हो गया था। बतख अंडों पर बैठी हुई थी और उनमें से दो अंडे मुर्गी के थे जिनमें से चूजे निकल आए थे और वो बतख हुई अपनी माँ समझ के खेल रहे थे। Like and subscribe. आपको वीडियो पसंद आई होगी, सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह दिखाए हैं और अपने गांव की नेचुरल ब्यूटी वगैरह दिखाई है आपको, काफ़ी प्यारा सीन है इधर। तो मैंने कहा यार इधर जाते हैं ऊपर और आउटर वगैरह बना ले अपना। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। जरा सब्र करो, आउटर बनाते बनाते मैंने देखा ये देखें जी गिद्ध का घर, रात को जब अंधेरा हो जाता है ना इधर से गिद्ध वगैरह अंदर घुसे होते हैं बिलों में तो रात को निकल आते हैं।